पास्ता और मोमोज मंगवाए थे जिसका टास्क तो मुझे तो काफी अच्छा लगा, तेरे को कैसा लगा भाई? तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का व्लॉग फूड व्लॉग होने वाला है। तो कहानी है कि रियांश के पड़ोस में एक भैया और भाभी रहते थे। सो वैसे तो 5 और 6 महीने हो चुके थे इनको रेस्टोरेंट खोले हुए, लेकिन जब इनको पता चला कि हम ट्रैवल व्लॉग के साथ साथ फूड व्लॉग पे भी नजर रखते हैं, तो होना क्या था जी, इन्होंने डायरेक्ट हमको फोन किया और हमें कहा कि हमें भी दो खातेदारी का मौका। सो उसके बाद का सारा सीन यही है। क्या था? रेस्टोरेंट। हाँ, आज हम जा रहे हैं भाभी दा रेस्टोरेंट। ठीक है भाभी, एक्चुअली सडनली मतलब हमारी वीडियोस, मेरी भाभी नहीं है जिसने कैमरा पकड़ा हुआ, उसकी भाभी है, रियांश की भाभी है। तो मेरी भी भाभी हो गई। हाँ, तो मेरी भी भाभी हो गई। हाँ, तेरी भी भाभी हो गई। तो हमने कहा चलो आज भाभी के पास चलते हैं, तो देखते हैं भाभी क्या खिलाती है हमको आज। कैसे हैं आप लोग? आज हम आए हैं दिल्ली का ढाबा, जो कि भाभी की शॉप है, और मैं मिला हूँ इन भाभी से रियांश के थ्रू। रियांश के ऊपर वाले फ्लोर में भाभी रहती थी पहले, और इनने और इनके हस्बैंड ने मिलकर ये शॉप खोली है। और ये हमारे कौन से लोकेशन में पड़ता है वो अभी थोड़ी देर में बता दूंगा पूछ के। और काफ़ी अच्छा नीडी और एकदम क्लीन है, काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं यहाँ की, बहुत अच्छी थीम है। और 6 या 7 महीने हुए हैं अभी इनको स्टार्ट करे हुए, और जैसा भी मेन्यू होगा, जैसे भी सारी डिटेल्स होगी अभी आपको देता हूँ मैं। जैसे ही बहुत गंदी ब्रेक मारी थी भाई, आई वॉन्ट योर चश्मा मैन। लो ब्रो, दिखाओ मुझे, हमें ऑफिस के लिए ये चश्मा है, ये रियांश ने मुझे गिफ्ट किया, ग्लास लेस है, ग्लास लेस चश्मा है ये, ग्लास लेस। अरे वो कितने का बनवाया है ये? 1500। वही लग रहे हो आप वो। एडिट कर लूंगा, ठीक है। आपको 5 और 6 मंथ होने वाले हैं। अच्छा, तो ये आइडिया किसका था कि हमने रेस्टोरेंट खोलना है और ये सारी चीजें करनी है? मेरा था आइडिया, तो आपका था? हाँ, भैया का नहीं था। भैया थोड़ा सा मतलब इस लाइन में उनको नॉलेज नहीं था, तो वो थोड़ा पीछे हट रहे थे। अच्छा। फिर बाद में जब लॉकडाउन था ना, इन्होंने बोला कि मतलब फिर जब लॉकडाउन फिर से लगा ना, तो फिर से फूड ही ओपन था, बाकी सब कुछ क्लोज था। तो हमने थोड़ा सा वहाँ से भी आइडिया लेके, नहीं फूड एक अच्छा बिजनेस है, सेकंड मुझे थोड़ा सा नॉलेज था, काम भी किया हुआ है, तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है। कैसा काम किया हुआ, मतलब आपने फूड इंडस्ट्री में काम किया हुआ है? जी, मैं पहले छत्तीसगढ़ भवन में मैनेजर थी। अच्छा। कुछ दिन मैंने वहाँ भी काम किया हुआ है, तो सब चीजों का नॉलेज था, और फिर थोड़ा इनका साथ था। भैया के रिएक्शन कुछ अलग से लग रहा है मुझे, लगता भाई भाई बिल्कुल सही बोल रही है। अच्छा, तो आपको स्टार्टिंग में जैसे कि आपने खोला होगा तो लोकेशन में, और जैसे कि ये प्लेस फिक्स थी? नहीं नहीं, लोकेशन तो हमने बहुत सारी चेक करी, बहुत सारी, मतलब विकासपुरी, सागरपुर, हर जगह हर लोकेशन देखा, बट ये लोकेशन एक ऐसी थी ना जो फर्स्ट टाइम में हमें पसंद आई दोनों को। अच्छा, ये लोकेशन फर्स्ट टाइम। हेलो भैया, कैसे हो आप? भैया जी, आपका नाम क्या? सूरज। सूरज भैया, तो क्या आप दोनों ने मिलके लिया था स्टार्टिंग? नहीं, आइडियाज तो इसके थे, ठीक है। फिर इन्होंने मेरे को बताया कि यार फूड लाइन बहुत बेस्ट है, तो इसको ओपन करते हैं, ठीक। फिर हमने देन इसको ओपन करा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्टार्टिंग में क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्योंकि जब भी हम कुछ नया स्टार्टअप करते हैं? हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत आई क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था। नॉलेज तो ये था फूड लाइन अच्छा है, लेकिन ये नॉलेज नहीं था कि इसको सेटअप कैसे करें हम, ठीक है। क्योंकि हम ही दो है जो हम मतलब करने वाले हम ही दो थे, और कोई नहीं था हमारे साथ। तो पहले तो हमने प्रॉपर्टी देखा, इसमें भी बहुत बंदों ने हमारे अंदर भरा कि बेकार है, अभी मत खोल, लॉकडाउन का टाइम है, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमने फिर भी खोला। तो 7-8 महीने हो गया? नहीं, हाँ 7-8 महीने नहीं हुए, 5-6 महीने हो चुके। तो स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट डे का मुझे बताओ कि आपका फर्स्ट डे कैसा बीता यहाँ पे, पहला दिन कैसा गया जब आप आ गए, मतलब ग्राउंड पे आ गए, काम करना स्टार्ट हो गया जी, पहली दुकानदारी आज से शुरू, तो कैसा रहा उस दिन का सेल? बहुत बढ़िया था। अच्छा। उस दिन का हमारा सेल बहुत अच्छा था। तो किसी तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट करी थी? नहीं, हमने
एडवांटेज उठाया था वो हमने करवा चौथ के दिन ओपन किया था। अच्छा अच्छा करवा चौथ खुद में एक ऐड है। रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा था लेकिन ये दोबारा लॉकडाउन आया तो उसमें रिस्पांस बिल्कुल 0/0 ही हो गया। हमारे पूरे जितने पीछे कॉलोनी है खाने का क्वालिटी कभी भी नहीं बोलते कि बेकार है, सारे कहते हैं एक नंबर खाना है। करते हो सही बात है, उनके साथ कंपटीशन है आपका। आप देखो आप चीज अगर बेस्ट रखते हो आप चैलेंज किसी को कर सकते हो, वो भी एक इंसान बना रहा है और सही बात है बिल्कुल, वो तो खाली ब्रांड है। हाँ बनाया किसने, बनाया पब्लिक ने बनाया, सही बात है। कल को हमारे ब्रांड बनेगा। हाँ जी हाँ जी। और आप कितना मतलब फूड में कितनी वैरायटीज रखते हैं? सिर्फ नॉर्थ इंडियन छोड़ के सारे है हमारे पास। साउथ इंडियन सॉरी साउथ इंडियन छोड़ के। अच्छा साउथ इंडियन छोड़ के सारा है। चाइनीज है इंडियन है और पेंट्री है। आप फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करवाते हो जिसमें आप बफे सिस्टम करवाते हो, तो थोड़ी सी मेरे को डिटेल्स बताओ उसमें कैसे करते हो। एक तो देखो आपका बफे सिस्टम में आपके मेन्यू डिपेंड करेगा, मेन्यू डिसाइड है। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा है थाली वाला, वो भी मेन्यू पे ही डिसाइड होगा क्योंकि वेज या नॉन वेज। अगर अगर 70 पीपल्स है मतलब 70 लोग हैं और आपसे करवाना चाहते हैं बर्थडे पार्टी और 5 या 6 बफे करवा रहे हो तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी कुछ इसके बारे में बताते हैं? पचास लोगों का खाना नहीं हो जाता जैसे तो हम कैटरिंग में करवा सर, डिपेंड उस पे होता है वो वेज ले रहे हैं या नॉन वेज ले रहे हैं। अगर वेज ले रहे हैं आपका 50% का पड़ेगा 12,000। 12,000। अच्छा 50 लोगों का खाना आप 5 बफे दोगे इसमें। हाँ, वेज वाले और उसमें क्या क्या आइटम दे दोगे आपको? हम देंगे एक 2 मेन कोर्स, ठीक है वेज में 2 मेन कोर्स और बटर नान और बटर रोटी और एक स्वीट, हाँ ग्रीन सैलेड और रायता। वो चलता रहेगा? हाँ जी वो चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? मतलब जैसे कि कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड खा सकते हैं। अनलिमिटेड पीपल्स का? हाँ जी अनलिमिटेड। तो काफी अच्छा है, तो मतलब बर्थडे पार्टी एक हम 15,000-20,000 में आराम से मान सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से मान सकते हैं। 50-60 लोगों का खाना बर्थडे पार्टी का हो जाएगा अगर हम 2 या 3 आइटम ही रखे बफे की जो भाई कह रहे हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स थी डेकोरेशन का, मैं बता देती हूँ कि डेकोरेशन जो भी होगा वो आपका होगा क्योंकि डेकोरेशन बाहर से करने के लिए आते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, आप हाँ जो भी थीम डिसाइड करते हो वो डेकोरेटर आके आपका डेकोरेट करते। तो आप लोगों के टच में है डेकोरेटर? हाँ, अच्छा उसका आप अलग से चार्ज करते हैं क्योंकि वो आपका है ही नहीं, वो तो किसी अदर बंदे का है। अच्छा क्योंकि ये बहुत सारे लोग आके वो करते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट मीटिंग भी करते हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट मीटिंग भी फिक्स होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब किसी भी बिजनेस डील के लिए। और फैमिली रेस्टोरेंट भी है जैसे मैंने देखा यहाँ पे, फैमिली रेस्टोरेंट भी। और किसी भी तरह की आपको किट्टी पार्टी या बर्थडे पार्टी या रोका सेरेमनी कुछ भी करना हो तो दिल्ली के ढाबे में आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। और बाकी की बातें करेंगे। कॉफी बहुत अच्छी थी भैया और भाभी की, कॉफी बहुत अच्छी थी, काफी अच्छा लगा पी के। ठीक है ओके। आज मैं सीख भी लूंगा व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बनता है। हाँ मेरे को पता नहीं है ना, आज मैं सीख भी लूंगा। मैदा? अच्छा मैदा। ओके अच्छा, इससे व्हाइट हो जाता है? हाँ। जो व्हाइट सॉस बनता है वो मिल्क से बनता है, दूध से बनता है? हाँ जी हाँ जी। सॉस जो बनती है? अच्छा अच्छा। हमने सबसे पहले डाला अमूल बटर। हाँ वो तो देख लिया। बटर के बाद डाला गार्लिक। ओके ये क्या दूध है? अच्छा ये आप दस जाएगा इसमें। हाँ गार्लिक डाल दिया आपने, दूध जाएगा। चालू कर दिया? हाँ जी। ये पास्ता डल गया हमारा, थोड़ा मिक्स कर देंगे। और मसाले जो नीचे हैं ऊपर से तो नहीं डालने पड़ेंगे वो जो? ये बन गया, ये थोड़ा क्रीम खोला और नहीं बहुत, हमें ज़्यादा क्रीम खिलाओगे?